हाय दोस्तों, मैं हूं आपका भाई करण कुमार। आज इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा, आपके पास कोई भी जैसे जियो फोन आता है वो लोगों में अटक जाता है, पूरा सेट ऑन ना हो, तो आप लोग उसे कैसे बनाओगे। इस वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाला हूं। ऐसे ये मेरे पास जो जियो का फोन है गाइस, पूरा नहीं ऑन होता है, आधा ऑन होता है, उसके बाद पूरा ऑन नहीं होता है। तो गाइस आपको बताऊंगा कैसे क्या करना होगा। गाइस आप लोग कुछ भी नहीं जानते तो आप लोग ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। जो भाई घर पर मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो में आए हो, क्योंकि गाइस यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप मोबाइल रिपेयरिंग सिखाया जाएगा। फुल कोर्स गाइस मैं आपको सिखाने वालों गाइस। कोई भी जियो का फोन है गाइस, जैसे वो लोगों में अटक रहा है, तो आप लोग उसे कैसे ऑन करोगे। चाहे जियो का फोन हो, चाहे टच वाला फोन हो गाइस, क्योंकि उसमें भी सेम स्टेप रहता है, थोड़ा थोड़ा टच वाले में भी ये ट्रिक काम करेगी गाइस। ठीक, तो आप लोग ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। और जो ये जियो का फोन है, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा ये लोगों में अटका है, और इसे पूरा आपको ऑन करके दिखाता हूँ। चलो चलते हैं गाइस यहाँ पर अपने सेटअप पे। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जियो का फोन है गाइस, और ये पूरा ऑन नहीं होता। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, देखो मैं पावर की को प्रेस करूंगा, देखना मेरा सेट ऑन होगा, मगर गाइस पूरा ऑन नहीं होगा। यहाँ पर देखो मैं पावर की को प्रेस किया, और यहाँ पर देखो जियो का लोगो आ चुका है। इस वीडियो को कुछ भी कट नहीं करूंगा, तो आप लोग ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। और गाइस यहाँ पर देखो आपको बताना चाहता हूँ, देखो जियो फोन की हड्डी भी मिल जाती है, बॉडी भी मिल जाती है। आप लोग यहाँ पर देख लो, जो इसकी बॉडी गाइस फूटी हुई है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पर न्यू इसकी हड्डी है गाइस। आपको बता दूं इसकी प्राइस गाइस मुझे 40 रुपया की पड़ी है, मेरे सिटी पे मुझे 40 रुपया की मिली गाइस। तो आप लोग किसी भी फोन की बॉडी ला सकते हो, आपके पास कोई भी मॉडल का जियो का फोन है गाइस, तो आप लोग उसकी बॉडी ला कर डाल सकते हो खुद से गाइस। तो गाइस हमारे सिटी पे मिल जाती है, जियो की मिल जाएगी, नोकिया की मिल जाएगी, सैमसंग की मिल जाएगी बस गाइस। और यहाँ पर देखो जैसे आईटेल की, इनकी बॉडी आप लोग लेने जाओगे नहीं मिलेगी गाइस। अब यहाँ पर आप लोग देखो ये इसी प्रकार रहेगा गाइस, आप लोग देखना पूरा ऑन नहीं होगा। और गाइस देखो यहाँ पर देखो जैसे कोई टच वाला फ़ोन है वो भी लोगों में अटक रहा है गाइस, वहाँ पर आपको इन बटनों से काम करना होगा गाइस। मैंने वीडियो बनाया है, एक वीडियो बना दूंगा, कोई भी टच का फ़ोन आता है जैसे वो लोगों में अटक जाए, पूरा ऑन ना हो, तो आप लोग उसे कैसे ऑन करोगे। तो पहले आप लोग इसे देख लो गाइस, जियो का फ़ोन। तो देखो ये इसकी नई बॉडी है, आप लोग देख लो गाइस, इस बॉडी को मुझे इसमें डालना है ये। और गाइस देखो ये पूरा सेट हमारा ऑन नहीं हो रहा, अब तक ये इसे ऑन हो जाना चाहिए, आप लोगों के सामने है गाइस। यहाँ पर देखो नहीं ऑन हो रहा, यहाँ पर देखो फिर से उसी प्रकार हो गया, ये इसी प्रकार होगा गाइस, पूरा ऑन नहीं होगा। चाहे इसे हम लोग पूरा दिन के लिए गाइस पावर को दबाएं, प्रेस करें गाइस, इसी प्रकार आएगा, ऑन नहीं होगा गाइस सेट, आप लोग देख लो गाइस। और देखो ये ट्रिक से कोई भी फ़ोन बन जाता तो तभी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, क्योंकि इसे आप लोग जानते हो करण भाई कुछ भी झूठ नहीं बताते हैं, बिल्कुल लाइव मैं फ़ोन को सही करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो ये पूरा ऑन नहीं होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको बैटरी निकाल देना, कोई भी फ़ोन है गाइस, ठीक है, ये मैंने बैटरी निकाल दिया है। अब यहाँ पर आपको कुछ समझाता हूँ गाइस, ठीक है। इसी यहाँ पर आप लोग देखो, ये जो जियो का फ़ोन है इसका मॉडल मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जियो F61 है, और हर मॉडल में अलग अलग सिस्टम रहेगा, तो आप लोग ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। यहाँ पर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आपके पास कोई भी मॉडल का फोन आता है तो आप लोग उसे कैसे पूरा ऑन करोगे गाइस, तो आपको इस वीडियो में सब कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है गाइस। क्योंकि हर मॉडल में अलग अलग सिस्टम होता है, तो आप लोग वीडियो को कट मत करना। देखो किसी किसी फोन में होता क्या गाइस, ये पावर बटन और चार कोने के ऊपर भी बटन को साथ में दबाना है, साथ में दबाना, जैसे डिस्प्ले पे लाइट आए तो आपको पावर बटन से उंगली को हटा देना है, और जो ये चार कोने के वाली ऊपर वाली बटन, इस पर आपको अपनी उंगली दबा के ऐसे करके रखना है, ठीक है गाइस। किसी किसी में होता क्या गाइस, ये पावर बटन और यहाँ पर ये ऊपर वाली बटन दोनों को साथ में दबाना, जैसे डिस्प्ले पे लाइट आए तो आपको पावर बटन से अपनी उंगली को हटा देना गाइस। किसी किसी फ़ोन में होता है क्या, ये जो पावर बटन है और ये कॉलिंग वाले बटन दोनों को साथ में दबाना, जैसे डिस्प्ले पे लाइट आए आपको पावर बटन से अपनी उंगली को हटा देना। किसी किसी में होता क्या है, पावर बटन और वन को साथ में दबाना, जैसे डिस्प्ले पे लाइट आए तो आपको पावर बटन से उंगली को हटा देना है और वन पे दबा के रखना। किसी किसी फ़ोन में स्टार से होगा, किसी किसी में जीरो से होगा, ठीक है, इतना होता है, क्योंकि बहुत सारे मॉडल में जियो फ़ोन आते हैं। अब गाइस यहाँ पर देखो, ये जो मेरे पास जियो का फ़ोन है इसमें देखो पावर बटन और कॉलिंग बटन दोनों को साथ में दबा के रखेंगे गाइस, क्योंकि इस मॉडल पर होता है। यहाँ पर देखो दोनों को मैं साथ में दबाऊंगा, जैसे डिस्प्ले पर लाइट जलेगी हम लोग यहाँ पर पावर बटन से उंगली हटा देंगे। यहाँ पर देखो मैंने हटा दिया, और कॉलिंग पर मैं दबा के रखूँगा ऐसे करके, ये देखो गाइस ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक बार इसे प्रेस कर देना ऐसे करके, इसे दबा के एक बार ऐसे प्रेस कर देना गाइस, देखो ये देखो ऐसे करके आप लोग ये पावर वाली बटन को प्रेस कर दोगे तो गाइस इस प्रकार का मोड आ जाएगा, हर फोन में आएगा इस प्रकार का मोड, आप लोग देख लो गाइस, ठीक है। मैं आपको पास से दिखाता हूँ, ठीक है गाइस, आपको यहाँ पर क्लीन दिखेगा, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर आपको जाना होगा वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट ऐसे करके, ये देखो वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट इस प्रकार आ जाना है। किसी भी मॉडल का फ़ोन है गाइस तो आपको वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट में आ जाना, उसके बाद यहाँ पर आपको पावर बटन एक बार प्रेस कर देना, फिर आपको यस करना है, फिर से आपको पावर बटन प्रेस कर देना ऐसे करके,
यहाँ पर देखो गाइस, ये हमारा जियो का फोन हार्ड रिसेट हो रहा है। अभी आप लोग देखना है पूरा ऑन हो जाए गाइस। यहाँ पर देखो ये हार्ड रिसेट है हो रहा है गाइस, ठीक है। लॉक लगा है, कुछ भी लगा है, लोगों में अटक रहा, तो गाइस आप लोग इस प्रकार जियो के फोन को सही कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो लिखा है रिबूट सिस्टम नाउ, तो सिंपल से आप लोगों को पावर बटन को प्रेस कर देना है और ये ऑफ हो जाएगा, उसके बाद ये पूरा खुल जाएगा गाइस। यहाँ पर देखो, ठीक है गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने वीडियो को कुछ कट नहीं किया है, मैंने सोचा आप लोगों को बताना चाहिए गाइस। कोई भी जियो का फोन है उसमें लॉक लगा है या लोगों में अटक रहा है, तो आप लोग इस प्रकार सही कर सकते हो, ठीक है गाइस। अभी आप लोग देखना, अभी ये पूरा ऑन हो जाएगा गाइस। वीडियो को कट नहीं करूँगा गाइस, आप लोगों के सामने है। देखो यहाँ पर लिख के आ चुका है डिजिटल लाइफ, डिजिटल लाइफ। तो देखते हैं ये पूरा ऑन होता है या नहीं होता है, मेरे समझ में हो जाना चाहिए, क्योंकि गाइस यही प्रॉब्लम आती है जियो के फ़ोन में। तो आप लोग सिंपल से उससे हार्ड रिसेट मार दीजिए गाइस, सही हो जाएगा। और गाइस चाहे लॉक लगा हो, कुछ भी लगा हो, तो आप लोग इस प्रकार तोड़ सकते हो। मगर गाइस यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, हर मॉडल में अलग अलग सिस्टम होगा, जैसे मैंने बताया आप लोग उस प्रकार ट्राई करना, आ जाएगा गाइस। तो यहाँ पर देखते हैं पूरा ऑन होता है नहीं, वीडियो को अभी भी मैं कट नहीं करूँगा गाइस। ऑन हो जाना चाहिए पूरा, और ऑन हो जाता है तभी आप लोग भाई के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना, क्योंकि गाइस यहाँ पर मैं फेक नहीं बताता हूँ, लाइव प्रॉब्लम आपको फ़ोन को सही करके दिखाता हूँ गाइस। देखो गाइस हमारा सेट ऑन हो चुका है, आप लोगों के सामने है। आप लोगों ने देखा था पहले ये ऑन नहीं हो रहा था, अब यहाँ पर हम लोग इसकी सेटिंग कर लेंगे। यहाँ पर इंग्लिश पे आएंगे और यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, ऐसे करके एक्सेप्ट करेंगे, फिर से एक्सेप्ट करेंगे, ओके गाइस। यहाँ पर आप लोग देख लो सेट हमारा पूरा ऑन हो चुका है। पहले आप लोग देख रहे थे गाइस ये लोगों पे अटक रहा था, अब यहाँ पर देख लो पूरा ऑन हो चुका है गाइस। मैंने कुछ नहीं किया गाइस, सिर्फ हार्ड रिसेट मारा गाइस। और देखो ये F90 है, इस फोन में अलग सिस्टम होगा गाइस, आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है गाइस, क्योंकि हर मॉडल में अलग अलग सिस्टम होता है और इसमें अलग सिस्टम होगा, मैंने बताया ही। अब तो आप लोग भाई के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल में इसी प्रकार की वीडियो हरदम देखने को मिलती रहेंगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग अपना ख्याल रखना।